स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर टू बेटा, और आज हम डिस्कस करेंगे जो भी फोर कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनके सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है, यू हैव टू बी पे अटेंशन ऑन दिस टेबल। कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए देन लेट मी नो। ओके, तो देखिये सबसे पहले हमारा जो फूड कॉम्पोनेंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको पता है दोनों ही क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स है। ओके, अब बात आते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं आपकी, राइस है, वीट है, मिलेट्स है, इन सबसे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्लस पोटैटो, पपाया, सुगर केन और भी बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट हम रेगुलर इनटेक करते हैं, यानी चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट है। ओके, उसके बाद बात आती है फैट की, तो आई होप सब लोग फैट भी खाते हैं, जो कि वेजिटेबल ऑयल जिसमें आप सब्जी बनाते हैं, कोई भी ऑयल हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, घी है, बटर है, मिल्क यानी एनिमल प्रोडक्ट है, वो सारे किसके एग्जाम्पल्स है फैट के। ओके, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट और जनरली हर बच्चा इनटेक करता है क्योंकि घर पे सारी चीजें अवेलेबल होती है। अब बात आती है प्रोटीन की, प्रोटीन आपको बताया इट इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, एग्जैक्टली बताया था आपको, और बच्चों को इसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि ग्रोथ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप लोगों की एज में हर बच्चे को प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो प्रोटीन किससे मिलता है, फल से। हालांकि बच्चों को दाल बहुत कम पसंद है, तो आप कैसे खा सकते हैं, ग्राम पीज इनको भिगो के, रात को भिगो दें, सुबह जो स्प्राउट्स होते हैं उनको आप खा सकते हैं, इससे आपको विटामिन B1 भी मिलेगा और साथ में आपको प्रोटीन भी मिलेगा। ओके, तो पल्सेस, ग्राम पीज, मिल्क, ये सब इसके क्या है, सोर्सेज है किसके, विटामिन के। अब विटामिन आपको बताए, सॉरी इट्स बाय मिस्टेक, प्रोटीन के सोर्सेज है, और प्रोटीन आपको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड है, ग्रोथ और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, तो आपको जरूर खाना है, प्रोटीन जरूरी है, बहुत एसेंशियल है आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं हम विटामिन, विटामिन आपको पता है हमें डिजीज से बचाता है। आप देखिए एक बच्चा है जो हमेशा बीमार रहता है, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, एक बच्चा है जो हमेशा बीमार होता है और एक बच्चा है जो बहुत कम बीमार होता है, किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है कि जो बच्चा कम बीमार पड़ता है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी मेंटेलिटी बहुत अच्छी होगी, वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, क्योंकि जो बच्चा बीमार है वो बहुत सारी वेकेशन लेगा, बहुत सारी छुट्टियां लेगा, उसका मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो सिंपल सी बात है आप लोगों के लिए विटामिन भी उतना ही एसेंशियल है जितना की प्रोटीन। ओके, तो विटामिन के सोर्सेस क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोई भी फ्रूट कोई भी वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल खाना बहुत जरूरी है, कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं रेगुलर अपने बेसिस पे, चाहे वो बनाना है, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और वेजिटेबल्स तो आप खाते हैं, तो ये थे विटामिन के सोर्सेज। अब बात आती है मिनरल्स की, तो मैंने बताया मिनरल्स भी, देखिए आपकी बोन्स के लिए, आपके बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, आपकी मसल्स को स्ट्रांग रखने के लिए इनकी मिनरल्स की जरूरत भी होती है, तो सबसे पहले बात आती है आयोडीन की, आयोडीन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इज दैट क्लियर। अब आयोडीन का जो सोर्स है साल्ट एंड फिशेज, क्या सोर्स है, साल्ट एंड फिशेज। ओके, तो आपको साल्ट और फिशेज रेगुलर बेसिस पे, सॉरी फिशेज तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि क्या है, हम लोग वेजिटेरियन है यानी हम शाकाहारी है, तो हम लोग फिश तो नहीं खाएंगे, बट आप साल्ट सब लेते हैं वेजिटेबल में, या फिर बात करें चपाती में, तो सब आयोडीन खाते हैं, इज दैट क्लियर, बट दैट इज इन प्रॉपर अमाउंट, वो ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी। बात आती है फॉस्फोरस की, तो आपको बनाना है ग्रीन वेजिटेबल्स है, इनसे आपको फॉस्फोरस मिलता है। कैल्शियम की बात आती है, जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ओके, आयरन, आयरन कहां से मिलता है आपको, मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, अंडरस्टैंड, जो भी जमीन से आपकी हरी सब्जियां बनती है, क्योंकि आयरन सॉइल में प्रेजेंट होता है, उन सब्जियों में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा आपकी बात करें रफेज, रफेज हमें एनर्जी नहीं देता, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रफेज क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो होल ग्रेन्स यानी स्प्राउटेड जो सीड है वो खा सकते हो, थोड़े बहुत वैसे भी होल ग्रेन आप चबा सकते हो, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स आप ले सकते हो, सलाद वगैरह आप ले सकते हो, तो उससे आपको क्या मिलेगा, रफेज मिलेगा, इज दैट क्लियर बेटा। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे हमारे क्या है, फूड कॉम्पोनेंट्स है, देखिए अगर इनको आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं खाएंगे तो फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अब बात करते हैं सब में सबसे इम्पोर्टेंट है मिल्क, देखिए मिल्क एक ऐसा फूड है, इट इज नोन एज द कंप्लीट फूड, मिल्क इज नोन एज कंप्लीट फूड, ठीक है, ये एक ऐसा फूड है बेटा, अगर आपके पास और बहुत सारी चीजें भी नहीं है, आपके पास फ्रूट्स नहीं है, या फिर आप बहुत कम चपाती भी खाते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप मिल्क जरूर लें, सुबह शाम जब भी आपको मिले वन ग्लास ऑफ मिल्क यू मस्ट बी टेक, ये कंप्लीट फूड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसमें फैट भी होती है, इसमें
प्रोटीन भी होता है, इसमें विटामिन भी होता है, इज इट क्लियर? तो सारे के सारे फूड कॉम्पोनेंट अप्रोक्सीमेटली कोई कम अमाउंट में कोई ज्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई मिल्क इज नोन एज कम्प्लीट फूड। ओके, और आप सबको एक ऐसी डाइट की जरूरत है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट। तो आपकी एज में बैलेंस डाइट लेना बहुत एसेंशियल है, यू मस्ट बी टेक बैलेंस डाइट। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।